भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है, कौन से खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी, तो कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर जाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करके सीरीज को 2-0 से अपने नाम करे तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ तो दोनों टीमों के लिए बुरी ही है, क्योंकि दोनों टीमों के कप्तान इस टेस्ट मुकाबले के लिए भी पूरी तरह से फिट नहीं है। यानी कि हम बात करें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी वो इस टेस्ट मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जबकि बांग्लादेश टीम के कप्तान पहले से ही बाहर हो चुके हैं, यानी कि तमीम इकबाल भी हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि एक बार फिर दोनों टीमें केएल राहुल और साकिब अल हसन की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। वहीं पर दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी इनिंग में यहां पर हम बात की जाए, जाकिर हसन मुजम्मल हसन सांतो दोनों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया था दूसरी इनिंग में। तो वहीं पर इसके अलावा साकिब अल हसन ने भी कप्तानी पारी खेली थी। ऐसे में दोस्तों, यहां पर इन खिलाड़ियों के ऊपर एक बार फिर बांग्लादेश की टीम की उम्मीदें होगी। वहीं पर भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कमाल का रहा था। पहली पारी में भारतीय टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारियाँ खेली थी, जहाँ चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी करते हुए 90 रन बनाए थे, तो वहीं पर श्रेयस अय्यर ने 86 रनों की पारी खेली थी। तो इन दोनों के ऊपर तो एक बार फिर निगाहें होगी, साथ ही यहां पर केएल राहुल को भी रन बनाने होंगे, जिनका बल्ला खामोश रहा था पहले मुकाबले में। तो कुछ ऐसा ही हाल विराट कोहली का भी रहा था, तो उन्हें भी यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जो कि अपने आक्रामक खेल के लिए जाने जाते हैं, पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने शानदार 46 रन बनाए थे, तो एक बार फिर यहां पर ऋषभ पंत को भी बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। इसके अलावा भारतीय टीम के लोअर ऑर्डर की हम बात करें तो यहां पर अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। बल्ले से अश्विन और कुलदीप यादव ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 400 के पार पर लेकर गए थे, तो इनसे एक बार फिर यहां पर काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाएगी। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी तो टीम इंडिया की कमाल रही थी। पहले मुकाबले में कुलदीप यादव ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 40 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर मोहम्मद सिराज को भी 3 सफलताएं मिली थी। तो इन दोनों से तो एक बार फिर बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद होगी, साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन जो कि उतने सफलताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे यहाँ पर एक बार फिर सफलताएँ प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजी एक बार फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के हाथों में 7 विकेट गए थे, जहाँ अक्षर ने 4 तो कुलदीप ने 3 सफलताएँ प्राप्त की थी। ऐसे में यहां पर रविचंद्रन अश्विन के हाथ में सिर्फ 1 सफलता ही मिली थी, तो इन्हें भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। वहीं पर दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में टीम इंडिया के लिए एक बार फिर यहां पर शुभमन गिल भी कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले की दूसरी पारी में शानदार शतक जमाया था, जो कि उनके टेस्ट कैरियर का पहला शतक था, और उसी शतक के दम पर यहां पर एक बार फिर अपनी उसी फॉर्म को वो बरकरार रखना चाहेंगे। तो चले दोस्तों, अब हम जानते हैं टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 को, पूरी लाइनअप को। तो दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे केएल राहुल और शुभमन गिल। केएल राहुल पिछले मुकाबलों की दोनों पारियों में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे। पहली पारी में जहां वो 22 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो दूसरी पारी में उनके बल्ले से सिर्फ 23 रन ही देखने को मिले थे। ऐसे में यहां पर उन्हें इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, जबकि दोस्तों शुभमन गिल जो कि दूसरे मुकाबले में शानदार 110 रनों की पारी खेली थी, उन्हें यहां पर एक बार फिर कुछ इसी प्रकार का खेल खेलते हुए हम देखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा उतरेंगे, जिन्होंने शानदार शतक जमा कर बेहतरीन लय हासिल कर ली है। पिछले मुकाबले की दोनों पारियों में कमाल किया था, तो एक बार फिर यहां पर चेतेश्वर पुजारा से भी कमाल के परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। तो वहीं पर नंबर 4 पर हमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट का बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस मुकाबले में उनका बल्ला भी जमकर बोलेगा, क्योंकि 2019 के बाद उन्होंने भी यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उनका शतक इसी मुकाबले में देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत।
ऋषभ पंत टीम इंडिया के लिए काफ़ी आक्रामक खेल भी दिखा सकते हैं। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 6 पर हमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर काफ़ी शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस इस मुकाबले में करके दिखाएंगे। इसके बाद नंबर 7 पर हमें अक्षर पटेल खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन दिखेंगे। रविचंद्रन अश्विन ने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जमाया था, तो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और शानदार कमबैक भी किया, साथ ही 40 रनों के पारी खेलकर टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था, तो कुलदीप से भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर उमेश यादव, तो नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज उतरेंगे। यानी कि दोस्तों टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के इस मैदान पर उतरने वाली है इस टेस्ट मुकाबले में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से कमाल करेगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।